आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया अन्नप्राशन दिवस। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रों पर 6 माह के बच्चों को पूरक आहार दिया गया एवं शिशु के 6 माह पूरे होने के बाद उनके बेहतर पोषण के लिए जरूरी पूरक पोषाहार के विषय में जानकारी भी दी गई। प्रखंड अंतर्गत मघुरापुर वार्ड संख्या 25 मुस्लिम मोहल्ला अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 224 एवं बरौनी 3 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 102 पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। पोषक क्षेत्र की लाभुक यशोदा देवी, कविता देवी एवं रूपा देवी के शिशु को खीर खिलाकर इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान अन्य धात्री माताओं को भी पूरक आहार के विषय में एवं साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई। धात्री माताओं को उबली हुई सब्जी, दलिया एवं अन्य पूरक आहार भी दिया गया। केंद्र की सेविका रौनक परवीन एवं बिना रानी ने बताया कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 6 माह तक सिर्फ स्तनपान एवं इसके बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार बहुत जरूरी होता है। 6 माह से 23 माह तक के बच्चों के लिए यह अति आवश्यक है। 6 से 8 माह के बच्चों को दिन भर में 2 से 3 बार एवं 9 से 11 माह के बच्चों को 3 से 4 बार पूरक आहार के साथ 12 माह से 2 साल तक के बच्चों को घर में पकने वाला भोजन भी देना चाहिए। इस दौरान शरीर एवं दिमाग का विकास तेजी से होना शुरू होता है। स्तनपान के साथ ऊपरी आहार की भी जरूरत होती है। महिला राधा कुमारी ने बताया कि इसके लिए नियमित रूप से धात्री माताओं को इसके विषय में जानकारी दी जाती है। देखो